क्या हो रहा है ये? वो मैडम, मेरा सारा काम खत्म हो गया था तो बस पढ़ाई कर रहा था। कौन सी पढ़ाई? मैडम वो मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अब तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड इंजीनियर बनेंगे। IIT का मतलब भी पता है तुझे? तो जिस काम के लिए बना है ना वो काम कर। जा, मेरे लिए पानी लेकर आ। जी मैम, अभी लेकर आता हूँ। मैम, मैं कमिन। हाँ कमिन। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो मैडम, इस महीने की सैलरी एडवांस में मिल जाएगी क्या? क्यों, क्यों चाहिए तुम्हें सैलरी एडवांस? मैडम वो मुझे ना IIT का फॉर्म भरना है और कुछ बुक्स भी लेनी है ताकि मैं पढ़ सकूं और आपकी तरह एक अच्छा इंजीनियर बन सकूं। तुम जैसे लोग अब इंजीनियर बनेंगे? मैम मैं इसके लिए ना बहुत मेहनत कर रहा हूँ और दिन रात पढ़ाई भी कर रहा हूँ। देखना आप, एक दिन मैं ज़रूर इंजीनियर बनूंगा। IIT की फुल फॉर्म भी पता है तुझे? मेंस क्लियर करने के लिए ना पढ़ाई करनी पड़ती है दिन रात। कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर इंजीनियर नहीं बन जाता। अपनी औकात से बड़े सपने देखना बंद कर और चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे, जो कि तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैडम आप मुझे एक महीने की सैलरी एडवांस में दे दो ना, देखना मैं इसके लिए ना बहुत मेहनत करूँगा। अच्छा ठीक है, मिल जाएगी तुझे तेरी एडवांस सैलरी। मैं भी देखती हूँ कैसे पढ़ाई करता है तू और कैसे इंजीनियर बनता है। जब क्या सागर तो फेल हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तेरे लिए इतनी मेहनत की थी, एक एक पैसा जोड़ के तेरी फीस भरी थी, मैंने तुझे पढ़ने के लिए कोटा भेजा था, तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतने पैसे लग गए हमारे और तू फेल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार? तूने तो हमारी नाक कटा दी। मैम। हाँ क्या है बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैम वो मैं IIT की तैयारी कर रहा था ना, तो मैंने मेंस क्लियर कर लिया है। क्या, तुमने मेंस क्लियर कर लिया? लेकिन ये तुमने किया कैसे, क्योंकि तुम तो पूरे टाइम यहाँ पर जॉब करते हो और तुमने पढ़ाई भी नहीं की, ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो मैम मुझे जब भी यहाँ पर टाइम मिलता था ना तो मैं पढ़ाई कर लेता था, और जब मैं यहाँ से घर जाता था ना तो पूरी रात भर पढ़ाई करता था। वाओ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता है मेरा भाई भी इस बार IIT का एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। मैंने अपने भाई को तो कोटा भेजा था पढ़ाई करने के लिए, उसके कोर्स भी कराए और न जाने कितना पैसा लग गया, लेकिन उसके बाद भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। और एक यहाँ पर तुम हो, मैं तो तुम्हें हमेशा डांटती रहती थी, सुनाती रहती थी और तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा शक करती थी, और हमेशा यही बोला कि तुम लोग छोटे लोग हो तो तुम छोटा काम डिजर्व करते हो, और एक मेरा भाई। खैर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू।